सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नाल जुड़े आखिरी ते छेवें शूटर दीपक मुंडी ने कई अहम खुलासे किए ने। उन्होंने खुलासिया के नाल बॉलीवुड तक हिल गया। सो दस दिए कि दीपक मुंडी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अगला टारगेट सलमान खान से। सो ये भी दस दिए कि नेपाल तो दीपक मुंडी और उसके दो साथियों की जो गिरफ्तारी है वह की गई सी पंजाब के डी जी पी गौरव यादव के वलों जो जानकारी है वो दी गई है। दस दिए कि सारे पंजाब लिया गया। इस बारे पंजाब के डी जी पी गौरव यादव ने दावा किया है कि लारस बिश्नोई गिरोह के निशाने से बॉलीवुड अदाकार सलमान खान भी से। इस गिरोह ने संपत नहरा से गोल्डी ब्राड राही अदाकार सलमान खान की हत्या को अंजाम देने लिए संपर्क किया। डी जी पी ने कहा कि सलमान खान को मारन की रणनीति घड़न लिए कपिल पंडित को सचिन बिश्नोई से संतोष यादव न मिलकर रेकी करने कहा गया। विक्की मिडू खेड़ा के कतल का बदला लैण लई लारस बिश्नोई गिरोह के इशारे से पहला भी उसने सिद्धू मूसेवाला मारन के इरादे नाल कई बार रेकी की सी। पुलिस मुखी ने दस्सिया कि पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दिल्ली पुलिस से केंद्रीय एजेंसी ने मिलकर सांझे ऑपरेशन तहत दीपक मुंडिया के साथियों को भारत नेपाल सरहद तो गिरफ्तार किया है। उन्हें दस्सिया कि सिद्धू मूसेवाला का मुकातल दीपक मुंडी ही सी। पछमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की खरीबाड़ी पुलिस स्टेशन के खेत्र चो दीपक मुंडी तो इलावा कपिल पंडित राजेंद्र उर्फ जोकर भी गिरफ्तार किए गए। सो दस दिए कि इन्हों पंजाब लिया गया। इन्हों तो होर भी पूछगिछ की जा रही है।